नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल किसी भी जेड क्लासेज में। मैं पवन चौधरी। जैसा कि हम 20 क्वेश्चन डेली लेकर के आते हैं, तो आज का जो ये टॉपिक है वो भी आपका केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, जो अपन एस ब्लॉक के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन बोलते जाऊंगा, नोट डाउन करते जाना। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। पोटेशियम को रखा जाता है, ऑप्शन है ठंडे जल के अंदर, अमोनिया में, एल्कोहल में, केरोसिन में। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्राइड सह संयोजी व बहुलक बनाने वाला है, ऑप्शन है CaH2, BeH2, NaH, BaH2। तीसरा क्वेश्चन है, एस ब्लॉक तत्वों के लिए कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन है बेरिलियम का सेकेंड ए ब्लॉक में न्यूनतम परमाणु आकार, बी ऑप्शन लिथियम उच्च धात्विक है, मैग्नीशियम ज्वाला में लाल रंग देता है, और डी ऑप्शन सीजियम जल में उच्च अपचायक है। चौथा क्वेश्चन, दो धातु ए व बी को वायु में जलाने पर दोनों ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि बी नाइट्राइड बनाता है, अतः ए व बी क्रमशः होंगे, ऑप्शन है सीजियम पोटेशियम, मैग्नीशियम कैल्शियम, लिथियम सोडियम, पोटेशियम मैग्नीशियम। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ए ऑप्शन LiOH उभयजलीय प्रकृति का होता है, बी ऑप्शन LiCl प्रीडीन में विलय है, Li3N स्थायी है जबकि Na3N कमरे के ताप पर भी अस्थायी है, और डी ऑप्शन BeO उभयधर्मी प्रकृति का होता है। फिर नेक्स्ट छठवा क्वेश्चन देखो, Mg+2 परऑक्साइड व सुपरऑक्साइड नहीं बनाता है, इसके ऑप्शन है Mg+2 आयन का आकार बड़ा होता है, Mg+2 आयन का आकार छोटा होता है, Mg+2 आयन स्थायी है, Mg+2 आयन अस्थायी है। सातवां क्वेश्चन है, मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा बनता है, ऑप्शन है Mg3N2, MgCO3, MgNO3 का होल ट्वाइस, नन ऑफ दीज। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्राइड अपचायक के रूप में कार्य नहीं करता है, ऑप्शन है NH3, CaH2, NaH, LiElH4। नवा क्वेश्चन है, इस अभिक्रिया में M+O2 से MO2 बनता है, धातु है, ऑप्शन है लिथियम सोडियम पोटेशियम बेरियम। दसवां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा क्षारीय धातु का कार्बोनेट कम स्थायी होता है तथा गर्म करने पर विघटित हो जाता है, ऑप्शन है Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, CH2CO3। ग्यारहवां क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कठोर किया जाता है, ऑप्शन है CO2 निकालकर, H2O निकालकर, जल के साथ संयुग्मित करके, CaCO3 में परिवर्तन करके। फिर बारहवां क्वेश्चन देखो, पोटेशियम कार्बोनेट को उच्च ताप पर गर्म करने पर देता है, ऑप्शन है CO2, O2, CO कोई गैस नहीं। तेरहवां है, सुपर ऑक्साइड एस ब्लॉक के केवल वे ही धातु बना सकते हैं जिनका ऑप्शन है आयनन विभव उच्च होता है, विद्युत ऋणता उच्च होता है, उच्च आवेश घनत्व है, कम आयनन विभव है। चौदहवां क्वेश्चन है, निम्न एस ब्लॉक तत्वों में कौन सा ज्वाला में कोई रंग नहीं देता है, ऑप्शन है लिथियम बेरियम सीजियम पोटेशियम बेरियम मैग्नीशियम बेरियम रेडियम। पंद्रहवां क्वेश्चन है, किसका निम्नतम गलनांक होगा, बेरियम कैल्शियम मैग्नीशियम बेरियम। सोलह क्वेश्चन है, बेरियम। सोलह क्वेश्चन है, सोडियम व लिथियम को शुष्क वायु में रखने पर हमें प्राप्त होता है, ऑप्शन है NaOH, Na2O, Li2O, Na2CO3, Na2O2, Li2O, Na2O, Li3N, NH3, Na2O, Li2O, Li3N। सत्रह क्वेश्चन है, सेकेंड ए व फर्स्ट ए वर्ग में प्रबलतम अपचायक है, ऑप्शन है BaLi, LiBe, CsBa, BaCs। फिर अठारहवां क्वेश्चन देखो, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम में अपचायक शक्ति का गैसीय अवस्था में घटता क्रम है, पोटेशियम ग्रेटर देन सीजियम ग्रेटर देन आरबी, सीजियम ग्रेटर देन आरबी ग्रेटर देन पोटेशियम, पोटेशियम लेस देन सीएस लेस देन आरबी।
आरबी ग्रेटर देन सीएस ग्रेटर देन पोटेशियम। गुणिश्वाय निम्न तत्वों के घनत्व का सही क्रम है बी ग्रेटर देन एम जी ग्रेटर देन सी ए ग्रेटर देन एस आर। बी ऑप्शन है सी ए ग्रेटर देन एम जी ग्रेटर देन बी ई ग्रेटर देन एस आर। सी ऑप्शन सी ए लेस देन एम जी लेस देन बी ई लेस देन एस आर। डी ऑप्शन एम जी लेस देन सी ए लेस देन एस आर लेस देन बी ई। बीसवां क्वेश्चन है धातु आयन जो ज्वाला परीक्षण नहीं देता है वह है एल आई प्लस बी ई प्लस टू एन ए प्लस के प्लस। तो आज के हमारे ये 20 क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और रेगुलर टेस्ट सीरीज आपके सामने है। सुबह 8 बजे टेस्ट, शाम को 8 बजे इसका सॉल्यूशन और 40 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज यूनिट वाइज। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।